बिहार के कई जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखे जाने वाले हैं। सड़क पर कम से कम दुर्घटना हो और सड़क सुरक्षा और ज्यादा दुरुस्त की जा सके, इसके मद्देनजर ये बदलाव होंगे। बिहार के एक दर्जन बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य के एक दर्जन बड़े शहरों की ट्रैफिक समीक्षा की जाने वाली है। इसमें शहर की आबादी, गाड़ियों की क्षमता, जाम लगने वाले इलाके, पुलिस बल के साथ साथ आधारभूत संरचना, इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर भी जोर होगा ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। पहले चरण में प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों को चुना गया है। इसके बाद अन्य शहरों की बारी भी अवश्य आएगी। ट्रैफिक IG MR नायक ने समीक्षा काम शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह ही छपरा में समीक्षा बैठक की गई थी। इसके अलावा पटना, गया, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और दरभंगा जैसे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था की भी समीक्षा की जाने वाली है। एक बार फिर याद दिला दें कि यह समीक्षा शहर में कितनी भीड़ भाड़ होती है, कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है और दुर्घटना किस इलाके में सबसे ज्यादा होती है, उसे कैसे रोका जा सकता है, इन मुद्दों पर की जा रही है। शहरीकरण के साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। बिहार के तमाम पुराने शहरों की सड़कें 50 से 100 साल पुरानी हालत में हैं, जबकि वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में छोटे शहरों में भी जाम लगना काफी आम बात हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के शहरों में ट्रैफिक समीक्षा शुरू हो चुकी है। एक दर्जन बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारियां चल रही है। पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में व्यवस्था में बदलाव देखे जाएंगे। अब चलिए आगे आपको बता दें कि तकनीक से जुड़े क्या बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए इन शहरों के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए मुख्य जगहों के प्रस्ताव मांगे भी गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने की योजना है, इस पर विचार फिलहाल चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस को भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का काम शुरू हो गया है। इसके तहत नालंदा, भागलपुर और पटना के समेत कई अन्य शहरों में पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरा और स्पीड गन आदि में मुहैया कराए गए हैं। पुलिस आधुनिकीकरण योजना से दूसरे शहरों के लिए भी इन उपकरणों की खरीद की जाएगी। बिहार में जिस तरीके से आबादी की स्थिति है, सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसमें कई सारे पहलू हैं, चाहे वो सड़क खराब होने की बात हो या फिर जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है वैसे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त ना होने की समस्या हो। इसीलिए अब बिहार के प्रशासन की तरफ से इन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है और बिहार की सड़कों से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद ये उम्मीद रहेगी कि बिहार में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और इसीलिए कई शहरों में अब इसे लेकर समीक्षा बैठक शुरू की जा चुकी है और उसके मद्देनजर के शहर में क्या जरूरत है उसे देखते हुए तैयारियां पक्की की जा रही है। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।